Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you, and very, very happy Ramnavami. Ramnavami ki aap sabko bahut bahut shubhkamnaye. May God Ram bless us all, है ना? हमें बहुत अच्छी हेल्थ दे, ज्ञान दे, और जब ज्ञान होगा, हेल्थ अच्छी होगी, तो वेल्थ तो अपने आप आ ही जाएगी, है ना? वो कहते हैं ना, यू शुड गेट द नॉलेज, उसके बाद इफ यू आर गुड इन द फील्ड तो सक्सेस तो अपने आप मिल ही जाता है. हर हर महादेव कनक. सो कैसे हैं आप सब? अधिरथ, देखो कर्म करो, फल अवश्य मिलेगा, है ना? गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग. आप अपना ये मत करो कि आपको बाद में ये लगे कि काश मैंने इससे बेटर कर लिया होता तो रिजल्ट्स बेटर होते, है ना? सो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं. बाकी जैसे कि गीता में कहा गया है, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए. बट मैं तो कहूंगी करो भाई, फल की इच्छा करो. फल की इच्छा करके ही तो काम करेंगे. पर नेवर माइंड इफ यू डोंट गेट इट, मे बी गॉड हैज प्लान समथिंग बेटर फॉर यू, है ना? अगर वो जो एग्जैक्टली आप मांग रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, तो शायद उससे बेटर ही कुछ मिलने वाला हो. जरूर पारस तथा अस्तु. चलिए, सोच लिया मैं, सीयूईटी नहीं दे रही सिर्फ. ओके ग्रेट अंशिका, बस पूरा फोकस इस पे लगा दो आप, ठीक है? पूरा फोकस, 24 घंटे होते हैं दिन में आपके पास. चलिए, सो एवरीवन लाइक द वीडियो, फटाफट से लाइक द वीडियो टू शो योर जोश गेटिंग हायर एंड हायर डे बाय डे, जैसे जैसे एग्जाम के पास आने का टाइम आता जा रहा है, ठीक है? हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, सो हम उसी के ऊपर आज और डिटेल में बात करेंगे. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन फर्दर डिटेल. एंड इसमें आपके पास और भी तरह के सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यू नो. सो ऑल दैट स्टफ ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. गुड आफ्टरनून वंशिका. कुछ क्वेश्चंस भी पूछने थे, ठीक है अधिरथ? अच्छा फटाफट से क्लास को शेयर कर दो. आई डिड नॉट शेयर, सो लेट मी शेयर ऑल्सो. सो बाय द टाइम आई शेयर इट, यू ऑल्सो शेयर एंड लाइक द वीडियो, देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक. ओके ओके सो आई हैव शेयर्ड. आई होप आप लोगों ने भी शेयर भी कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा. नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में 8 से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिपेंड करता है बेटा कि उसका बेस क्या है. दीप्ति अभी तो देखो क्लोज हुई है ना 15 को, सो देखो नोटिफिकेशन आएगी जल्दी हमारे पास कि कब एडमिट कार्ड्स एंड ऑल आएंगे, ठीक है? सो बिफोर आई स्टार्ट विद कॉम्प्लीमेंट्स, मैं आज आपको कराऊंगी. वैसे वी विल बी डिस्कसिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो. एक इसका आंसर दे देती हूँ, फिर हम पहले सॉफ्टवेयर्स करते हैं. आप लोग जब भी कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हो ना, इतनी चीज ध्यान रखना कि जैसे अगर नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बोला है तो ये डिपेंड करता है कि किस नंबर का बोला है, राइट? अगर मेरा बेस 10 है, राइट, क्या है बेस 10 है, तो उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा कि हम उसको तीनों 9 में से माइनस करेंगे. दिस इज नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट इफ बेस ऑफ योर नंबर इज 10, और टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब आप इसके अंदर 1 ऐड कर दोगे. तो ये आपका बन जाएगा टेंस कॉम्प्लीमेंट और ये बन जाएगा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब होता क्या है कि अगर आपका नंबर का बेस ही 9 बोल दिया, समझ रहे हो बात को, ठीक है?
ठीक है, 718 पे अगर मेरा बेस कितना है, 9 है, सो अगर मेरा बेस ही 9 है तो मैं क्या करूंगी, 9 बेस के दो कॉम, देखो जो भी बेस होता है ना उससे एक कम का कॉम्प्लीमेंट निकलता है और एक निकलता है उस बेस का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर बेस ही 9 हुआ मतलब दो कॉम्प्लीमेंट इसके कौन से बनेंगे, 8 से 9 कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें अगर आपको 9 कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला है तो पहले आप 888 में से 718 को माइनस करोगे, फिर आप उसमें प्लस 1 करोगे तो वो आपका 9 कॉम्प्लीमेंट आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आपके नंबर का बेस क्या है, ठीक है। सो जो बेस होता है उस बेस के अकॉर्डिंगली ही हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हाँ, अगर बेस नहीं दे रखा तो आप डेसिमल मान लोगे। मेरे बीसीए कोर्स के लिए आईपीयू सीईटी का फॉर्म भरा है लेकिन उसमें मैंने कैटेगरी जनरल डाल दिया है, तो क्या मैम एडमिशन के टाइम दे सकते हैं बेटा बाद में भी? प्रॉक्स 15 मई के आसपास बेटा, एग्जाम की डेट विल बी समवेयर अराउंड 15 मई, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, ठीक है। तो चलो अभी पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की, फिर मैं एक बार कॉम्प्लीमेंट्स आपको डिटेल में दोबारा से बता दूं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर्स, सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन नॉट बी सीन फिजिकली, है ना, उसकी कोई फिजिकल अपियरेंस नहीं होती है, सो इट डज नॉट हैव अ फिजिकल अपियरेंस, यू कैन यूज इट, यू कैन फील इट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। यस कनक, तो वो बाद में सबमिट कर सकते हैं ना अगर रिक्वायर्ड हुआ, अगर उसका कोई बेनिफिट हुआ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर जो है वो जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो तीसरी चीज है वो आपको कुछ बुक्स में तीसरे पार्ट में दिखेगी और कुछ में आप उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी देख सकते हो, और वो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने एक स्पेशल क्लास शेड्यूल की हुई है जिसमें हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट क्लास, बट अभी हम ब्रीफ में यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही, जिसके अंदर आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सही से काम करने में मदद करते हैं, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। सो वी हैव जनरल पर्पस, वी हैव कस्टमाइज्ड, एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स के अंदर आपके पास आ जाते हैं असेंबलर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो ये आपके लैंग्वेज प्रोसेसर्स में आ जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन इन डिटेल। तो सबसे पहली चीज है आपकी ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है ना, नाम से ही यही लग रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज वो। अभी करेंगे कनक, अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज डिवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज आपके पास ये तीन तरह के हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन विच इज यूज्ड टू मैनेज योर कंप्यूटर सिस्टम, ये आपके पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब मेरे पास हार्डवेयर है, मान लो मेरे पास एक मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सब डिवाइसेस हैं, लेकिन उसके अंदर विंडोज करप्ट हो गई। तो अगर मेरी विंडोज करप्ट हो गई तो क्या मैं अपने कंप्यूटर को यूज कर पाऊंगी? कहते हैं ना मेरा तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, विंडोज करप्ट हो गई,
या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और है, अगर वो उड़ गया तो आप उसको काम मिले ही ला सकते। सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं होता, है ना। सो हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज इफ माई ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट और इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस कैसे यूज होंगे, आपके पास जो और एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर में वो कैसे यूज होंगी, उस सब को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, फाइन। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने कल भी बताए थे। सो वी हैव विंडोज विच इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। हमारे पास एक आता था पहले डॉस, फुल फॉर्म किसी को पता है तो चैट में लिख के बताओ डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है। विंडोज, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है। डॉस इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड नहीं था बट माइक्रोसॉफ्ट परचेज्ड इट एंड देन दे वर्क्ड एंड मेड विंडोज। ठीक है, सो वी हैव विंडोज, वी हैव डॉस, देन वी हैव लिनक्स, यूनिक्स, ये रेड हैट के हैं दोनों। ठीक है, ये ओपन सोर्स भी हैं और ऊपर वाले तो दोनों पेड हैं। ओपन सोर्स का मतलब है सॉफ्टवेयर भी फ्री में है और कोड भी उसका अगर देखना चाहते हो कि कैसे बना है तो वो भी मिल जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स क्या होता है। देन यू हैव मैक का आईओएस, आईओएस इज अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर हैविंग। ठीक है, डॉस जो है बेटा वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अगर अभी भी आप अपने विंडोज में सीएमडी लिखते हो तो यू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। सो डॉस ऐसा दिखता था, इट यूज टू लुक लाइक दिस। अब खाली डॉस वाला तो कोई कंप्यूटर होता ही नहीं है, बट अदरवाइज ये है। जैसे मैं इसके अंदर डी आई आर लिखती हूँ तो वो मुझे दिखा देगा कि मेरे पास क्या क्या फोल्डर्स, क्या क्या फाइल्स हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप बना भी सकते हो, फोल्डर बनाने हैं तो बना सकते हो। सो यू कैन डू एनीथिंग लाइक दैट। सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वेयर वी हैड टू राइट ऑल द कमांड्स। आपको सारी कमांड्स लिखनी पड़ती थी और लिख के ही हम उसमें यूज कर सकते थे। इवन यूनिक्स भी आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, वहां पे भी आपको सारी कमांड्स लिखनी पड़ती है। बाकी के सारे जीयूआई हैं। जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाउ मेनी मार्क्स कैन वी गेट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज, डिपेंड्स दीप्ति कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एडमिशन सीक कर रहे हो। फाइन, सो दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी हैव। सबसे पहले आया था आपका विंडोज 3.1। ठीक है, उसके बाद फिर विंडोज 97 आया, फिर विंडोज 98 आया, फिर 2000 XP, फिर तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और अभी लेटेस्ट विंडोज कौन सा है? हाँ, मैथ्स के लिए मिलेगा मयंक, मिलता है मतलब रफ वर्क, उसी में शीट्स होती है पेपर में पीछे। ठीक है, सो आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम वी गेट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड एक चीज याद रखनी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर वर्क कर ही नहीं सकता, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। सो इफ आई डोंट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन माई कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिर्फ उसके हेल्पिंग सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सही से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, फायरवॉल हो गया, ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वायरसेस। सो दीज आर यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल जो है वो आपको हैकिंग से बचाता है कि कोई अगर हैक करना चाहता है तो फायरवॉल विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैकिंग। ठीक है, एंटीवायरस विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, ये हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, सो दैट डिपेंड आप कौन सा वाला यूज कर रहे हो। डिवाइस ड्राइवर्स जो है हमारे पास वो क्या होते हैं कि आपका एक डिवाइस जो है, जैसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कि आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके यूज करते हो, वो डिवाइसेस किस तरह से एक्सेस होंगे, किस तरह से काम करेंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जैसे हम प्रिंटर यूज करते हैं या हम पेन टैब यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं, तो उसका जो आपका क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है जो उसकी वर्किंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइड करता है, वो है आपका डिवाइस ड्राइवर। सो डिवाइस ड्राइवर इज इंस्टॉल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, आपके आजकल सारे डिवाइस ड्राइवर्स क्लाउड पे अवेलेबल होते हैं, पहले सीडी में आते थे, अब हम नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, कैन यू नेम सम ऑफ द एंटीवायरसेस? मयंक ने लिखा है क्विक हील। एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर कैन नॉट बूट विदाउट विच डैश, कैन नॉट बूटस्ट्रैप लोडर।
ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड तो आपका बूटस्ट्रैप लोडर करता है ना अधिरथ, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट बूट विदाउट बूटस्ट्रैप लोडर. ठीक है, कैन यू नेम अ फ्यू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स? बताइए. नेम अ फ्यू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. मकैफे, क्विक हील, एबीजी, एवास्ट. नहीं, बूटस्ट्रैप लोडर होगा बेटा, डिपेंड करता है आप कौन सी साइड पे देख रहे हो. अदरत बूटिंग पूछा है ना, बूटिंग तो बूटस्ट्रैप लोडर से ही होती है. अगर पूछा होता कि अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट प्रॉपरली. लेकिन बूटिंग है, स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो बूटस्ट्रैप लोडर से ही स्टार्ट होगा ना. बूटस्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर काम करना शुरू करेगा. माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर. ठीक है, सो ये हमारे एंटीवायरस हो गए. ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की. मैकेफे हो गया. सो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब ये कंप्यूटर में हो तो आप इनसे रिलेटेड काम कर सकते हो, और अगर ये कंप्यूटर में नहीं है तो हम इनसे रिलेटेड काम नहीं कर सकते, है ना. यही मतलब हुआ ना. सो अगर ये कंप्यूटर में है तो हम इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो इसमें भी दो तरह के हैं. वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखना था मैंने ऊपर, हटो. ओके, सो वी हैव सेकेंड कैटेगरी एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है तो आप वो काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो. इसमें दो कैटेगरीज हैं, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, अब जनरल पर्पस हो गया एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट. एग्जैक्टली, जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, मतलब कोई भी यूज कर सकता है फॉर द पर्पस दे आर डिफाइंड फॉर. जैसे पेंट बना है ड्राइंग करने के लिए तो कोई भी यूज कर सकता है, वर्ड बना है लेटर्स लिखने के लिए कोई भी यूज कर सकता है, एक्सेल है फॉर स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेशन एनीबडी कैन यूज इट, प्रेजेंटेशन बनानी है एनीवन कैन यूज पावर पॉइंट, है ना. मीडिया प्लेयर है एनीबडी कैन यूज टू वॉच वीडियोस, कोई भी ब्राउजर है एनीबडी कैन यूज इट टू व्यू वेबसाइट्स. तो वो सॉफ्टवेयर मेरे पास है तो मैं वो काम कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी. इट कैन बी यूज बाय एनीवन डिपेंडिंग अपॉन दैट. अगर मेरे कंप्यूटर में पावर पॉइंट नहीं है तो ये थोड़ी ना कि मेरा कंप्यूटर ही नहीं चलेगा. माई कंप्यूटर विल वर्क, द ओनली थिंग इज कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना पाऊंगी, है ना. सो जो काम आपको करना है वो नहीं कर पाओगे जो उसका पर्पस है, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर पे नॉर्मली सब कुछ कर सकते हो. सो दैट्स अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, सॉरी सॉफ्टवेयर. सो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज उसका काम अगर चाहिए तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट यूज दैट. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जैसे कि बैंक्स के लिए होते हैं, है ना, ऑफिस के लिए स्पेशल अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है टू मैनेज देयर पेरोल, जैसे उनके पास कितने इंप्लॉयज हैं, क्या क्या उनकी सैलरी होगी, आपके स्कूल के जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह प्रिंट होते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कस्टमाइज बन सकते हैं, है ना. सो ये सारे जो जितने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं उन सब के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स बनते हैं. एजुकेशनल ऐप हो गई जैसे अपनी है ना, तो वो ऐप क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, दैट इज कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. तो जिस बिजनेस के लिए वो चाहिए उस बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी उसको कस्टमाइज किया जा सकता है. उसको हर कोई नहीं यूज करेगा ना, एवरीबॉडी इज नॉट गोइंग टू यूज इट, एंड जनरली ये वाले एक्सपेंसिव भी होते हैं इन कंपैरिजन टू जनरल पर्पस. तो इस पे आपको ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं, दे आर एक्सपेंसिव. दीज आर इजिली अवेलेबल फॉर लेसर प्राइस, सम ऑफ दीज आर अवेलेबल फॉर फ्री, एंड कुछ का ट्रायल वर्जन होता है, कुछ का क्रैक्ड वर्जन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, बट दीज आर द वंस व्हिच यू हैव टू पे a hefty amount and then you get your software customized as per your requirement. ठीक है, so ये customized softwares हो जाते हैं. So application software के अंदर we get two categories, general purpose softwares and customized softwares.
फाइन, समझ आ रहा है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्रैक डे यूज करें, ठीक है? समझ आ रहा है तो भाई लाइक बटन पे भी अपना थोड़ा सा माउस घुमा के क्लिक कर दो, और अगर लैपटॉप से या फोन से हो तो अपनी फिंगर्स का यूज कीजिए। थोड़ा सा कर्सर को वहां लेके जाइए जहां पर वो थम्स अप का बटन दिख रहा है, एंड क्लिक दैट। पर अगर पहले से क्लिक कर चुके हो तो दोबारा मत करना, क्योंकि वो क्या होता है, दैट इज अ टॉगल बटन। व्हाट इज इट? इट्स अ टॉगल बटन। कंप्यूटर्स में टॉगल बटन का क्या मतलब होता है? टॉगल बटन इज दैट एक बार क्लिक करो तो ऑन होगा, दोबारा से क्लिक कर दो तो ऑफ हो जाता है ना? सो अगर ऑलरेडी ऑन है तो दोबारा से क्लिक नहीं करना, फिर ऑफ हो जाता है। सो इफ यू हैवन क्लिक येट देन ओनली क्लिक इट। अगर ऑलरेडी क्लिक कर चुके हो फिर नहीं कर दो। सिस्टम सॉफ्टवेयर बता तो दिया करना। अच्छा, अब तीसरा क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स पे जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ जैसे कि कैप्स लॉक, एग्जैक्टली टॉगल बटन है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स पे जाने से पहले वी शुड सी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ही कितनी होती है, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स इन दिस, मेजरली टू। वन इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देन यू हैव हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? इसे HLL भी कहते हैं और इसे LLL भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? मिडिल लेवल में सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको एंट्रेंस के लिए थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। उसके ऊपर भी क्लास है हमारे पास, सो वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दैट। सो दैट्स योर मिडिल लेवल लैंग्वेज। नाउ लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो लैंग्वेजेस आती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल तो हाई लेवल है, इसमें आपके पास C++, पाइथन, जावा, बेसिक, ठीक है, रूबी, आर, एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाते हैं। फाइन, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लो लेवल लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज, सो विच इज मेड अप ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है? अब इन दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मशीन डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आज की डेट में आप पाइथन सीखते हो या सी सीखते हो, C++ सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज जो हाई लेवल की कैटेगरी में आ जाती है, इवन मिडिल लेवल इंक्लूडेड इन दिस, सो ये मशीन इंडिपेंडेंट है। लाइक अगर मैंने आज C++ सीखी, अब मैं वो C++ का प्रोग्राम चाहे विंडोज वाले सिस्टम पे बनाऊं, चाहे मैं उसको इंटेल वाले प्रोसेसर के लिए बनाऊं, चाहे मैं उसको AMD प्रोसेसर के लिए बनाऊं, चाहे मैं उसको मैक पे बनाऊं, चाहे मैं उसे एंड्रॉयड पे बनाऊं, इवन मैं अपने फोन पे कोई ऐप है उसमें प्रोग्राम बनाकर एग्जीक्यूट करूं, माई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल रिमेन सेम। द लैंग्वेज डज नॉट चेंज, ठीक है? सो द लैंग्वेज डज नॉट चेंज, सो इट रिमेन्स सेम, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसकी कमांड्स कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंप्यूटर टू कंप्यूटर और टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उस चीज पे आपकी लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती, आपका प्रोग्राम सेम रहेगा सब जगह, ठीक है? लो लेवल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। आपने अगर एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया, तो वो दूसरे टाइप के कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन के बाइनरी कोड्स अलग हो सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो बाइनरी कोड्स हैं वो अलग होंगे, सो इट विल नॉट वर्क ऑन द अदर मशीन। सिमिलर वे असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी बेटर है, लेकिन स्टिल वो मशीन डिपेंडेंट है, वो भी अलग अलग टाइप ऑफ प्रोसेसर पे काम नहीं करेगी,
क्योंकि असेंबली लैंग्वेज प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंगली जनरेट होते हैं. लाइक 8080 प्रोसेसर्स इंटेल का असेंबली अलग होगा, 8086 की अलग होगी. सो अगर मुझे इस प्रोसेसर पे काम करना है तो उसका असेंबली लैंग्वेज मुझे अलग से सीखना पड़ेगा. 8086 पे काम करना है तो मुझे उसकी असेंबली लैंग्वेज अलग से सीखनी पड़ेगी. ठीक है, सो वी हैव टू लर्न द लैंग्वेजेस सेपरेटली. सो वो मशीन डिपेंडेंट है, वो मशीन के ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस. अब बेनिफिट क्या होता है वो मैं बताती हूँ. हेलो शिवम, चलो भाई आपके सीनियर आए हैं, इनसे पूछ लो जो पूछना है. ही अटेंडेड द क्लासेस लास्ट ईयर एंड नाउ इन ट्रिनिटी द्वारका. हाउ इज द कॉलेज, यू आर सेटिस्फाइड विद द कॉलेज शिवम? सो मशीन लैंग्वेज जो है ये आपकी डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ आती है, नो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड, है ना. तो इसमें सिस्टम डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेशन, किसी ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं. सो इसमें क्या होता है, नो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड. लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमें क्या चाहिए होता है, एक ट्रांसलेटर जिसको हम कहते हैं असेंबलर. और फिर वो असेंबलर हमें क्या देता है, मशीन कोड. सो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली. सो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता, वो असेंबलर के पास जाती है, वो मशीन कोड जनरेट करता है और फिर वो मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है. तो ये असेंबलर क्या है, मेरा लैंग्वेज प्रोसेसर. ठीक है, तो जब आपको असेंबली लैंग्वेज यूज करनी है आपके पास असेंबलर होना चाहिए, तभी वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई नहीं, अब से हम शुरू कर रहे हैं, हर वीकेंड पे वी विल बी हैविंग एमसीक्यू मैराथन. 100 MCQs करेंगे हम एट अ स्ट्रेच इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज. तो जब आप एक्चुअली में प्रैक्टिस करोगे क्विज फॉर्म में तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ज्यादा अच्छे से. और बाकी कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका होता है कि मॉक टेस्ट दो जितने दे सकते हो, जितने मॉक टेस्ट कर सकते हो उतने मॉक टेस्ट करो. ठीक है, सो ये सबसे बेस्ट है, आप कहीं से भी कर सकते हो. बाकी अगर मेरी ऐप से करना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, AL कोडर्स, वहां पे जाओ. वहां पे अभी बहुत बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, आज लास्ट डेट है. वैसे ही कोर्स बेचारा तो नहीं, बट वैसे ही कोर्स इज ओनली फॉर 449, विच इज नथिंग. उसके ऊपर भी आपको आधा प्राइस मिल रहा है. तो आप जाओ, ऐप डाउनलोड करो और ये कोर्स एनरोल कर लो. इसके अंदर काफी सारे मॉक टेस्ट हैं और हम हर रोज 4 बजे भी MCQs की प्रैक्टिस करते हैं. एवरी डे 4 PM आई हैव अ लाइव क्लास है, वेयर वी प्रैक्टिस MCQs. आज करेंगे हम इंग्लिश के MCQs. तो मैंने शेड्यूल बताया था कल भी, मंडे कंप्यूटर अवेयरनेस, ट्यूजडे GK, वेंसडे इंग्लिश, थर्सडे मैथ्स एंड फ्राइडे को इट कुड बी मिक्स्ड सेट ऑफ MCQs और योर डाउट क्लियरिंग सेशन. ठीक है, सो यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स इन द ऐप, वेरी नॉमिनल प्राइस, विच आई नीड टू चार्ज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऐप. बताया ना मैंने भी आपको, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके लिए पे करना पड़ता है. सो पे करना पड़ता है तो उस पेमेंट के लिए आई नीड दिस. मुझे यूट्यूब पे क्लास लेने के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता, इसलिए यूट्यूब पे आपसे कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री, है ना. राइट, डार्क रनर. सो प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट, जितने करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, कॉलेजेस ग्रेट इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एंड करिकुलम, बाकी सब एवरेज. करिकुलम तो सबका सेम ही होगा ना, आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में चले जाओ, योर करिकुलम वुड बी सेम. ठीक है, करिकुलम तो आईपी यूनिवर्सिटी वाला है, बाकी टीचर्स अच्छे होने चाहिए. अभी ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ पड़ता है आपके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड जो इवेंट्स होते हैं, कल्चरल क्लब्स जो हो गए या कोडिंग क्लब्स जो हो गए, उस पे चीजें जो है वो फर्क पड़ती है, अदरवाइज तो इट्स मोर और लेस सेम. ठीक है, अधिरथ बताओ, अधिरथ को मुझ पे भरोसा नहीं है,
शिवम से पूछ रहा है कि जो मैम ने कंप्यूटर अवेयरनेस का पढ़ाया था उसी में से आया था या बाहर से भी आया था। हाँ दयाधीरथ। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है, असेंबलर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस का बेनिफिट हमने देखा कि इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन हमें इसमें चाहिए होता है ट्रांसलेटर जो कि इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड। जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। सो हाई लेवल लैंग्वेज इज योर सोर्स कोड, एंड मशीन कोड जो जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। रिमेंबर दीज टर्म्स, मैंने पहले भी कहा था एक बार जब आपको डिस्कस किया था, रिमेंबर दीज टर्म्स। सोर्स कोड इज योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट कोड। अब ये जो ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं ये दो तरह के होते हैं, वी हैव कंपाइलर एंड वी हैव इंटरप्रेटर। काम दोनों का एक ही है कि आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है कोड को, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन थैंक यू ऋषि, पिन कर दिया मैंने ऋषि का कमेंट। सो ट्रांसलेटर जो है हमारे पास, वी हैव कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है, हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, बट वर्किंग में कैसे फर्क है। इंटरप्रेटर डज इट लाइन बाय लाइन, वो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, अगर कोई एरर है तो बता देगा, सेकेंड लाइन को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सो ऑन। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर यूज करती है, बेसिक पाइथन जो है। कंपाइलर जो है दैट मीन्स कि पहले पूरा एक प्रोग्राम रीड करो फिर उसको ट्रांसलेट करो मशीन लैंग्वेज में। सो इट्स लाइक इफ आई हैव टू ट्रांसलेट एन इंग्लिश पैराग्राफ इन टू हिंदी, वन ऑप्शन इज कि मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, या मैं एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते जाऊं। सो इंटरप्रेटर डज द ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन। सो ट्रांसलेशन इज डन लाइन बाय लाइन। इसमें क्या होता है, ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस। तो ऑब्वियसली ये फास्टर है, ये स्लोअर है, बट इट नीड्स मोर मेमोरी। अब जो भी काम करना है वो चीज रैम में होनी चाहिए इफ वी आर प्रोसेसिंग इट। सो अगर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं इट नीड्स टू बी देयर इन दी रैम, सो इट नीड्स मोर मेमोरी। एंड इंटरप्रेटर नीड्स लेस मेमोरी क्योंकि उसको एक टाइम पर सिर्फ एक ही लाइन को रखना है, कहाँ पर, रैम में। सो एक लाइन रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, सेकेंड लाइन रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा। सो इट नीड्स लेस मेमोरी, इट नीड्स मोर मेमोरी। तो आपका सी, सी प्लस प्लस ये यूज करते हैं कंपाइलर, पाइथन हो गई, देन बेसिक हो गई, दे यूज इंटरप्रेटर, जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, वी बी ऑल्सो यूजेस विजुअल बेसिक यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, सो दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सीयूईटी की क्लासेस कल से होंगी बेटा, टुमारो मॉर्निंग 11:15। सीयूईटी वाले बच्चे कुछ दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे थे तो दे वर नॉट रेगुलर, सो दैट्स व्हाई आई पोस्टपोन्ड इट, बट फ्रॉम टुमारो वी विल बी हैविंग रेगुलर क्लासेस। मोर ओवर यू विल बी गेटिंग एमसीक्यूज अपलोडेड फॉर सीयूईटी प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है। रोज आपको एक वीडियो मिल जाएगी एमसीक्यू प्रैक्टिस की, उसके लिए ऐसा बेटर जैसा कुछ नहीं होता बेटा, डिपेंड करता है जिसने जो लैंग्वेज बनाई है वो उसके साथ क्या यूज कर रहा है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, उसकी पर्सनल चॉइस के बेसिस पे। टुमारो मॉर्निंग वी हैव सीयूईटी की क्लास एट 11:15। अभी भी आपके नंबर ऑफ लाइक्स नंबर ऑफ वॉचिंग के इक्वल नहीं हुए हैं। ठीक है,
इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ट्रांसलेटर्स क्लियर है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड, एवरीथिंग इज क्लियर? सो ये हो गए हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स. एनी वन हैज एनी डाउट टिल हेयर? सीयूईटी के सारे टॉपिक्स कवर होंगे बेटा, एवरी टॉपिक, सेक्शन ए, सेक्शन बी वन, सेक्शन बी टू, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. चलिए, अब ये तो थे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, ठीक है. बट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें उनके लिए पे करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, कौन कौन से होते हैं. सो वी हैव प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, we have freeware, we have shareware, and we have the third one, which is open source software. ठीक है, अब ये क्या होते हैं? देखो, proprietary softwares वो होते हैं जो कि paid होते हैं. You have to buy the license before you use the software. So, आप पहले उसका लाइसेंस परचेज करोगे तभी आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, ठीक है. सो जैसे कि आपका एग्जाम्पल फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, विंडोज हो गया, ये क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. इनको हम पे किए बिना यूज नहीं कर सकते. वी नीड टू बाय द लाइसेंस, देन ओनली वी कैन यूज दीज सॉफ्टवेयर. फ्री सॉफ्टवेयर आर फ्री टू बी यूज, ठीक है. Can download for, download and use for free. जैसे कि आपके वेब ब्राउजर्स हो जाते हैं काफी, लाइक गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ठीक है. ऐसे और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि फ्री है, आप डाउनलोड करो, यूज करो, ठीक है. शेयरवेयर होता है जो ट्रायल वर्जन के लिए फ्री होता है. सो फ्री ट्रायल, बट देन नीड टू बाय. जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हो गए, एमएस ऑफिस हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो वो आपको पहले ट्रायल वर्जन के लिए मिल जाते हैं, तो आप ट्रायल वर्जन के लिए उसको यूज कर सकते हो. बट अगर आप उसको फुल फ्लेश यूज करना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ता है, ठीक है. सो वो आपके शेयरवेयर हो जाते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कि सॉफ्टवेयर भी फ्री है. सो ओपन सोर्स इज फ्री टू डाउनलोड and use along with the source code to create that software. और हम चाहे तो उस सॉफ्ट कोड को अपने 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 सिस्टम पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है. सो हाँ, इसे बेटा वर्जन भी कहते हैं. सो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, दे आर ऑल्सो सेड टू बी इन बेटा वर्जन. सो इसका एग्जाम्पल है आपका मोज़िला फायरफॉक्स. तो इनकी ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जो डेवलपमेंट करती रहती है इसके अंदर. लाइक पाइथन इज ऑल्सो ओपन सोर्स, एमएस माई एसक्यूएल इज ऑल्सो ओपन सोर्स, लिनक्स इज ऑल्सो ओपन सोर्स आउट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. एक हमारा है बॉस, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑल्सो ओपन सोर्स, ठीक है. फ्री सोर्स कोड, यस. सो दीज आर ऑल योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. आप चाहो तो इनका कोड भी डाउनलोड करके देख सकते हो कि ये कैसे बने, और हम अपने एक्सपेरिमेंट्स भी उसके ऊपर कर सकते हैं. सो वी कैन डू एक्सपेरिमेंट्स विद दैट एज वेल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एंड हाउ डू वी डाउनलोड एंड यूज दिस. इज दैट क्लियर? भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बॉस की फुल फॉर्म है भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. अच्छा, एक चीज बताओ, कैन वी हैव योर क्लास बिट अर्ली टुडे, इंस्टा 4:30 कर लें आप पे क्लास.
4 बजे की जगह 3:30 कर लें आज। स्पाइडर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। इज इट ओपन सोर्स गगन? ठीक है, सो आज थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज होगा। वी विल हैव, मैं अभी शेड्यूल कर देती हूँ ताकि सबको पता चल जाएगा। सो वील हैव क्लास एट 3:30 टूडे इंस्टेड ऑफ 4, एंड वी विल बी डूइंग इंग्लिश के सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के एमसीक्यूज, तो रिवाइज करके आना। ठीक है, इंग्लिश में सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स करेंगे, सो जस्ट रिवाइज दैट एंड वी विल बी डूइंग एट 3:30 टूडे। सो दैट इज इट फॉर टूडे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस कर लिया। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वील जस्ट वाइंड अप द क्लास। एंड टूडे इज द लास्ट डेट टू गेट दैट ऑफ ऑन योर कोर्स इन द ऐप। सो मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, बट अगर किसी ने अभी मॉक टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया है तो आज आज की डेट में कर लो। और आज रामनवमी है, आखिरी दिन है नवरात्रों का, सो जो डिस्काउंट था वो 50% की जगह 60% कर दिया है। सो कोड फेस्टिव 50 यूज नहीं होगा आज। आज रात के 12 बजे तो नहीं, मतलब 11:30 तक कह लो, यू कैन यूज दिस कोड टू गेट अ फ्लैट 60% ऑफ, जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुडे। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस class. I'll see you soon in the next class at 3:30. Bye for now.